दीगर खबरें शामिल करेंगे। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी बराए तजारत और कारोबारी उमूर दिलावर सैयद ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के तालुकात के 75 साल मुकम्मल हो गए। अमरीका दो तरफा तजारत, सरमायाकारी और तालीम के फरोग की कोशिशें जारी रखेगा। दिलावर सैयद ने इन ख्यालात का इजहार कराची के नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के दौरे के मौके पर किया। उनके दौरे की मजीद तफसीलात रियाज एनडी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात का 75वां साल है और इस मुनासिबत से अमरीका के नुमाइंदा खसूसी बराए तजारत और कारोबारी उमूर दिलावर सैयद पाकिस्तान के दौरे पर हैं। आज 7 जुलाई को उन्होंने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर पाकिस्तान के वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक भी हमरा थे। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी को इंक्यूबेशन सेंटर में अपने काम में मसरूफ मुख्तलिफ आजिरों ने अपने स्टार्टअप के बारे में मालूम दी। दिलावर सैयद ने सवालात भी किए और माजी में अमरीका में हुई मुलाकातों के हवाले भी रहे। बाद में दो मुल्कों के दरमियान तजारत, सरमायाकारी के फरोग पर मुजाकरा हुआ, जिसमें दिलावर सैयद समेत LMKT के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बानी आतिफ रईस खान और IBA कराची के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद अकबर जैदी शामिल रहे। दिलावर सैयद का कहना था कि अमरीका एक मजबूत दोस्त का किरदार अदा कर सके, इसके लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। अमरीका कई शोबों में पाकिस्तान की मुआवनत कर रहा है। कैमरामैन सरवर रजा के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज, कराची।